नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अकाउंट्स ट्री पर। इस चैनल पर हम आपके लाते हैं क्लास 11, 12 से ग्रेजुएशन लेवल तक की अकाउंट्स की वीडियो क्लासेस। और आज इसी सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11 का चैप्टर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस चैप्टर की ऑलरेडी हम अभी तक कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने काफी इस चैप्टर को कवर कर भी लिया है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी। जी हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विद जीएसटी के कुछ क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर की जो ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ आ जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी पुरानी वीडियो को भी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उनको जरूर देखें, क्योंकि शुरू से वीडियो देखेंगे तभी आपको ये चैप्टर आसानी से डीपली अच्छी तरह से समझ आएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन शुरू करने से जल्दी से पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट रिवाइज कर दूं। ऑलरेडी मैं इसका फॉर्मेट अपनी पुरानी वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं कैसे बनाते हैं, एक बार देखते हैं। मशीन अकाउंट अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, सीख ही गए होंगे। डेबिट साइड पर हम मशीन को परचेज करते हैं। डेबिट साइड पर अगर कोई मशीन परचेज करते समय कोई एक्सपेंसेस होता है तो वो डेबिट साइड पे होता है, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगता है। क्रेडिट साइड पर सेल होती है, क्रेडिट साइड पे लॉस आता है क्रेडिट साइड पर, और प्रॉफिट आता है डेबिट साइड पर। बस अब एक चेंज क्या हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो हम मशीन अकाउंट के क्रेडिट पर चार्ज करते थे अब मशीन अकाउंट में ना लगाकर वही डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर शो करने वाले हैं और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्वेश्चन नंबर 16। फॉलोइंग इज द बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 1st अप्रैल 2018। आपको 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस दिए हुए हैं और ये बैलेंस है मशीन अकाउंट के, मशीन है 5 लाख की और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 2,25,000। तो देखिए बैलेंस शुरू करते हैं कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है मशीन का बैलेंस, तो मशीन का बैलेंस डेबिट साइड से शुरू होता है, तो यहां हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हमारे पास जो मशीन का बैलेंस दिया हुआ है वो है 5 लाख रुपीज का। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2018 को हमारे पास मशीन 5 लाख की है। अब ये जरूरी नहीं है इसमें एक मशीन हो, दो मशीन, चार मशीन भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर इस डेट पर कंपनी के पास, फर्म के पास 5 लाख की मशीन है। आगे हमें एक और बैलेंस दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। देखिए मशीन एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट से शुरू होता है, लेकिन प्रोविजन को हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं और लायबिलिटी क्रेडिट साइड से शुरू होती है। तो इसका बैलेंस हम लिखने वाले हैं कहां, क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस बीडी, और इसका बैलेंस हमें दिया हुआ है 2,25,000। अगर हम ध्यान से समझे तो इसका मतलब हुआ 1 अप्रैल 2018 को कंपनी के पास टोटल छोटी बड़ी सब मिलाकर 5 लाख की मशीन है, और इसका मतलब हुआ कि कंपनी ने 5 लाख की मशीन पर 2,25,000 का टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। तो मशीन का बैलेंस डेबिट से शुरू होता है और प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट साइड से शुरू होता है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा है द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 10% ऑन द फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड। जी हाँ, कंपनी जो है वो डेप्रिसिएशन लगा रही है 10% की रेट से, कौन सा मैथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड। आगे लिखा है द अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल टू मार्च, यानी फाइनेंशियल ईयर है। ऑन 1st अक्टूबर 2018 ए मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1st जुलाई 2015 फॉर 1 लाख रुपीज सोल्ड फॉर 42,000 विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 1 अक्टूबर 2018 इसी फाइनेंशियल ईयर में हमने एक मशीन बेच दी। ये मशीन हमने कब खरीदी थी, 1 जुलाई 2015 को, कब, कितने की, 1 लाख की, बेची कितने में, 42,000 में विद जीएसटी। देखिए जीएसटी जब भी कभी आ जाए डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, क्वेश्चन में, तो भूल जाइए जीएसटी कुछ होता है। जीएसटी को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, जीएसटी को शो नहीं करना है, जीएसटी को छोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको समझिए,
आपने एक मशीन सेल की कब? 1 अक्टूबर 2018। कहां पे सेल करते हैं, मशीन के डेबिट पे या क्रेडिट पर? क्रेडिट साइड पर। तो सबसे पहले डेट लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, हमने मशीन को सेल किया है कब? अक्टूबर में। कितने रुपए में सेल किया है? 42,000 में। ठीक है, ये मशीन रियल में 1 लाख की थी। एक्चुअल जब हमने इसे खरीदा था तो 1 लाख में खरीदा था। अब देखिए अप्रैल अक्टूबर, तो आप कितने महीने का गैप है? 6 मंथ का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। 6 महीने आपने इस मशीन को पहले यूज किया फिर सेल किया, तो 6 महीने का डेप्रिशिएशन लगेगा। बिल्कुल लगेगा, डेप्रिशिएशन पहले डेबिट मशीन के क्रेडिट में लगता था, अब फर्क यह है कि वो वहां ना लगकर प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन के क्रेडिट में लगेगा। जी हाँ, कब सेल किए हैं? अक्टूबर 1। तो डेप्रिशिएशन हम लिखेंगे बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, कहां पर? प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, पहले इधर लगता था अब इधर लगेगा। मशीन जो बेची है वो कितने की है? 1 लाख की। 1 लाख का 10% और 6 मंथ के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 5,000। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं 5,000 रुपीज। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो अब करने वाला हूं मैं, बहुत समझिएगा क्योंकि यही सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहीं पर आकर। जी हाँ, हमने मशीन जो बेची है वो हमने कब परचेज की थी, पहले उसको देखते हैं। यहां पर हमें वर्किंग नोट करना नेसेसरी है। हमने एक मशीन खरीदी थी कब? 1 जुलाई 2015। और हमने ये मशीन कब बेची है? 1 अक्टूबर 2018 को हमने ये मशीन सेल कर दिया। तो देखिए, ये मशीन खरीदी थी यहां और बेची है यहां, तो इस पूरे टाइम में, पूरी लाइफ में हमने कितनी डेप्रिशिएशन चार्ज किया, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जहां सबसे जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन बनाते समय जो हमें ध्यान रखना है कि जो मशीन हम बेच रहे हैं, ये मशीन हमने कब खरीदी थी, उसकी खरीदने की डेट, सेल की डेट, और इस पूरे टाइम पीरियड में हमने जितना भी इस मशीन को यूज किया है उसका टोटल डेप्रिशिएशन हमें यहां पे शो करना पड़ेगा। तो अब देखिए हम इसकी पूरी लाइफ का डेप्रिशिएशन कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। तो यहां पर हमने मशीन खरीदी, तो एक एक पार्ट से हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए, हमने मशीन खरीदी 1 जुलाई 2015, ईयर कब बंद हुआ होगा उस साल, हमें ईयर टू ईयर चलना है, तो हमने उस साल अकाउंट क्लोज किया होगा 31/3/16। ये तो पूरी लाइफ है। अब लाइफ को हम छोटे छोटे ईयर में डिवाइड करके टोटल डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने मशीन खरीदी 1 जुलाई 2015, ईयर बंद हुआ होगा 31/3/16 उस साल, तो उस साल हम सिर्फ 9 मंथ ही यूज कर पाए बस। तो उस साल हमने सिर्फ कितने महीने यूज की? 9 मंथ्स। तो मशीन की कीमत है 1 लाख, डेप्रिशिएशन है 10% और 9 महीने के लिए, तो उस साल हमने यूज किया और हमने उस साल डेप्रिशिएशन लगाया होगा 7,500। फिर हमारा अगला साल शुरू हुआ 1/4/16, क्योंकि इसके बाद यही शुरुआत होगी, और फिर उस साल हमारा अकाउंट बंद हुआ होगा 31/3/17। हम क्या कर रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि जो मशीन हमने इस डेट पर खरीदी थी और इस डेट पर बेची है, इसका पूरी लाइफ का डेप्रिशिएशन। इस दिन खरीदी, ईयर बंद हुआ होगा उस साल 31/3/16, 9 महीने यूज की, 9 महीने का डेप्रिशिएशन। फिर अगला साल हमारा यहां पे खत्म होगा, तो शुरू कब होगा? 1 अप्रैल 2016, और अकाउंट बंद होगा 31/3/17। पूरे 12 महीने आपने मशीन को क्या करा? यूज। तो पूरे 12 महीने का 10,000 रुपए। फिर नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017, और ईयर बंद हुआ होगा 31/3/18। फिर आपने पूरे मशीन को 12 महीने यूज कर डाला, 10,000 लगा होगा, सोचिए। और अभी 1 अप्रैल 2018 साल नया शुरू हुआ और आपने बेच कर दी 1 अक्टूबर 2018, सिर्फ कितने महीने यूज कर पाए? 6 मंथ्स, और 6 मंथ का कितना बनता है? 5,000 रुपए। तो कुल मिलाकर जो मशीन आपने बेची है, आपने उस पर 4 बार डेप्रिशिएशन लगाया होगा अपनी पूरी लाइफ में, पहले 9 महीने का, फिर 12 का, फिर 12 का, और फिर 6 महीने का। तो टोटल डेप्रिशिएशन जो मशीन आपने सेल की है उस पर कितना लगा है? 32,500 रुपए का टोटल डेप्रिशिएशन इस पूरे टाइम पीरियड को। देखिए, शुरुआत हुई 1 जुलाई और बंद हुआ 1 अक्टूबर 2018।
पूरी लाइफ में आपने उस पर 32,500 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो देखिए, जब हम कोई मशीन सेल करते हैं तो प्रोविजन को डेप्रिसिएशन में डेबिट साइड पे किस दिन बेची है? अक्टूबर 1, 2018। यहां लिखते हैं टू मशीनरी अकाउंट, पूरी लाइफ का डेप्रिसिएशन हम यहां पर शो करते हैं डेबिट साइड पे। ईयर टू ईयर लगाते हैं क्रेडिट पर, और जब सेल करते हैं तो पूरी लाइफ का डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे, और यहां से क्रॉस करते हैं मशीन अकाउंट में। जी हां, यहां पे हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो मशीन हमने सेल की है उस पर कितना लगाया है पूरी लाइफ में? 32,500। अब हमें यह देखना है कि जो मशीन हमने सेल की है उस पर फायदा हुआ या लॉस हुआ, अब उसको समझते हैं। देखिए, मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। मशीन पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 32,500। तो ये मशीन आज कितने की रह गई? 67,500 की आज ये मशीन है। और आपने 67,500 की मशीन सिर्फ कितने में बेच दी? 42,000 में। तो 25,500 रुपए का आपको लॉस हो गया, और लॉस किधर शो करते हैं? मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस, और लॉस हमारा हुआ है 25,500 रुपए का। यहां तक आपको क्लियर होगा? एक यही पॉइंट है जो समझने वाला है, और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन आगे कहता है, एंड ऑन सेम डेट हमने एक और मशीन खरीद ली 2 लाख रुपए की विद IGST। मैंने पहले ही आपको कहा डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल में GST, SGST, किसी भी टाइप का GST हो इग्नोर करिए। तो हमने एक और मशीन खरीदी सेम डेट मीन्स जिस समय बेची उसी समय अक्टूबर में। तो जब कोई मशीन खरीदते हैं तो हम डेबिट साइड पे शो करते हैं कितने रुपए की खरीदी? 2 लाख रुपए की। ठीक है, अब साल का एंड, क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन हमने नहीं की है, साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं किस पर? बची हुई मशीन पर। तो हमारा साल का एंड होगा 2019 मार्च 31। तो यहां हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए, ये मशीन थी 5 लाख की, 5 लाख की टोटल थी, उसमें से 1 लाख वाली मशीन बिक गई, तब ये कितने की रह गई? 4 लाख। 4 लाख का पूरे साल का 40,000। ये मशीन अभी खरीदी अक्टूबर में 2 लाख की, पर अकाउंट बंद होता है मार्च में, सिर्फ 6 महीने यूज कर पाए, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा और वो बैठेगा 10,000। तो टोटल हो गया हमारा 50,000। इसके बाद अब और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अब बैलेंस निकालने हैं। तो देखिए, पहले मशीन का निकालते हैं। मशीन की डेबिट साइड हमेशा बड़ी होती है 7 लाख। जो साइड बड़ी है उसे हम दोनों साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और यहां पे ईयर क्लोज होगा 2019 मार्च 31। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इन सबको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6 लाख। इसी तरीके से अब यहां क्लोज करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी होती है, और इसका टोटल आएगा 2,80,000। इसको भी दोनों तरफ शो करते हैं, और यहां पे हमारा ईयर क्लोज होगा 2019 मार्च 31, और यहां आएगा 2 बैलेंस CD कैरेट डाउन। अब इसको माइनस कर देते हैं, 2,47,500। देखिए, ये चैप्टर कोई टफ नहीं है, ये टॉपिक कोई टफ नहीं है, जरूरत है अपना फोकस करने का कि पूरी लाइफ का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर एक बार आप ही कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये न्यूमेरिकल्स आपसे बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो जरूरत है इसको ध्यान से समझने की। केवल इतना ही, उम्मीद है आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कराने का तरीका समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से समझिए, करिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आने वाले हैं वो डेप्रिसिएशन चैप्टर के रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के न्यूमेरिकल हम आपके सामने करने वाले हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, डेप्रिसिएशन के चैप्टर के साथ, और टॉपिक होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जब तक आप इसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए।